सब हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो डेफिनेशन देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई देन वाई इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। या अगर इसको इस तरीके से देखें, इफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्या मतलब है इस बात का, एग्जाम्पल से समझते हैं तो फिर ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। सिंपली क्या है, अगर आपका एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक तभी होगा जब वाई कॉमा एक्स भी इस रिलेशन में प्रेजेंट हो। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ एक सेट लिया 1, 2, 3, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो सारे जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएंगे ए क्रॉस ए, और उसी का क्या होता है, सबसेट रिलेशन होता है। अब हम वन बाय वन चेक करेंगे, टोटल हमारे पास 6 रिलेशंस हैं, चेक करेंगे कौन कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। तो अब देखो आर वन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1, 2 एंड 2, 1। तो क्या चेक करना है, अगर 1, 2 यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या एक्स कॉमा वाई, तो वाई कॉमा एक्स अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो 1, 2 यहाँ प्रेजेंट है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। फाइन, यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि इसमें एलिमेंट्स तो टोटल जो है 1, 2, 1, 3 भी आएंगे तो उनको भी हमें इंक्लूड करना, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि अगर आपके रिलेशन में x, y प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो y, x का होना कंपलसरी है। तो यहाँ देखो इस रिलेशन में 1, 2 प्रेजेंट है तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए 2, 1 का होना कंपलसरी है। फाइन, नेक्स्ट R2, तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। R2 में क्या है, 1, 1, तो क्या इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, इसको भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि 1, 1 का मतलब क्या है, यहाँ x, y क्या है, 1, 1, तो y, x क्या हो जाएगा, वो भी 1, 1 ही होगा। तो दो बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्या एक सेट है, तो सेट में क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, तो दोबारा हमें नहीं लिखना है, इसलिए 1, 1 x, y भी हो जाएगा और y, x भी हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। फाइन, नेक्स्ट R3 क्या है, 1, 3, तो x, y प्रेजेंट है, x, y का मतलब 1, 3 तो प्रेजेंट है लेकिन 3, 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिर्फ हमें x, y देखना है और साथ ही साथ y, x, अगर x, y है तो y, x होना ज़रूरी है, तो यहाँ क्या 1, 3 तो है बट 3, 1 नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। फाइन, नेक्स्ट ये देखते हैं R4, तो R4 में क्या है, यहाँ पर 2, 1, तो 2, 1 अगर यहाँ पे है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2, बट देखो इस रिलेशन में 1, 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट R5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं, यस, इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि चेक क्या करना है, अगर एक्स कॉमा वाई प्रेजेंट होगा तो हम चेक करेंगे वाई कॉमा एक्स है या नहीं, अगर एक्स कॉमा वाई है ही नहीं तो हमें वाई कॉमा एक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो 1, 1, यस, अगर 1, 1 है तो ये एक्स कॉमा वाई भी और वाई कॉमा एक्स है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक। तो ये था डेफिनेशन कि सिमेट्रिक रिलेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो कोई भी एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, कोई भी एक अगर रिलेशन आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे एक्स कॉमा वाई अगर प्रेजेंट है तो फिर हम चेक करेंगे अगर वाई कॉमा एक्स है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो गया। सारे एलिमेंट को हमें चेक करना जरूरी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट किया ए क्रॉस है उसके सारे एलिमेंट होंगे तभी सिमेट्रिक होगा, नहीं, बस ये चेक करना अगर 2, 1 यहाँ पे है तो सिमेट्रिक होने के लिए 1, 2 होना कंपलसरी है, तो इसमें 1, 2 नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, देखो इस एग्जांपल में स्मॉलेस्ट यही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर। क्यों होगा, अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट है और ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी है, तो ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। यहाँ चेक करेंगे 1, 2, इसका पेयर ऑर्डर पेयर 1, 2 है तो 2, 1 यहाँ मिल जाएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। 1, 3 यहाँ है तो 3, 1 यहाँ मिल जाएगा, 2, 3 यहाँ है तो 3, 2 यहाँ मिल जाएगा, तो इसका मतलब कोई भी अगर सेट दिया उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इसलिए क्या आएगा आपका,
लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन की कार्डिनलिटी एन स्क्वायर, स्मॉलेस्ट की हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जीरो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो अब देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने कितने नंबर ऑफ जो है सिमेट्रिक रिलेशन हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो y कॉमा x का होना कंपलसरी है। तो अगर इस एलिमेंट को देखें, इस एलिमेंट को, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आएगी। हम चाहे तो इस एलिमेंट को अपने रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो भी अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, एक्सक्लूड करेंगे तो भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी, क्योंकि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं इसकी दो दो पॉसिबिलिटी आएगी। ओके, इसकी भी दो दो पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 प्रेजेंट है और 2,1 मिसिंग है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एक बार आप रिपीट कर देना, ये आपका अगर 1,2 का मतलब एक्स कॉमा वाई अगर प्रेजेंट है आर में, 1,2 अगर आपका रिलेशन में प्रेजेंट है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 का होना कंपलसरी है, तभी हम इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। अगर 1,2 मिसिंग है और 2,1 प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 1,2 प्रेजेंट है और 2,1 मिसिंग है, ऐसे ही सेम केस 1,3 अगर प्रेजेंट है और 3,1 मिसिंग है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, जो उनका ऑर्डर पेयर यानी 1,2 और x, y और y, x को हम एक यूनिट मान के चलेंगे तभी हो पाएगा। यूनिट का मतलब क्या है, अगर x, y प्रेजेंट तो y, x का होना कंपलसरी है, या अगर y, x है तो x, y का होने का बात एक ही है। तो इस इनको हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तभी ये सिमेट्रिक हो पाएगा। अगर इन दोनों को अलग अलग करते, जैसे यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ 1,1 x, y दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, तो चाहे आप 1,1 लिखो या इसको रिवर्स में लिखो बात एक ही है। इसलिए इन इन सारे एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी दो दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट की दो दो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ये दोनों पेयर में चलेंगे। अगर 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 का होना कंपलसरी है। तो इन इन दोनों एलिमेंट को या तो इंक्लूड कर सकते हैं या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर इसको हमने नहीं लिखा तो भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यही सेम चीज़ इसके साथ होगी, पेयर बना लेंगे, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी, इन दोनों एलिमेंट की दो पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के आएंगे 2×2 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 to the power 6 जो है सिमेट्रिक रिलेशन आएंगे जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ओके, तो कहने का मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, एक बार और रिपीट कर दें तो फिर हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है डिस्कस करते हैं। 1,2 अगर प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2,1 का होना कंपलसरी है। इसलिए इन दोनों एलिमेंट को हम एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 6 है तो इसमें सिर्फ 2×2 यानी 3 जो है पॉसिबिलिटीज आएंगी 2×2 की। इसमें क्या आ रहा है, क्यों हम इनको जो है कंप्लीटली ले रहे हैं 1,1, बिकॉज कि 1,1 ये भी 1 है ये भी 1 है। तो चाहे आप 1,1 x, y के फॉर्म में लिखे या y, x, अगर हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, सपोज दैट ये एलिमेंट नहीं है फिर भी ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर ये एलिमेंट नहीं फिर भी ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर ये एलिमेंट नहीं फिर भी ये सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन अगर इस एलिमेंट को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, 2,1 तो प्रेजेंट है लेकिन 1,2 नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 3 है तो क्या आएगा, 2 to the power 6। अब देखते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट पे। ओके, तो देखते हैं सेट में टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन, n,n, 1,2, 2,1 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये सारे क्या हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट हैं, और यहाँ हमने अज्यूम किया है ये सारे क्या हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसको अगर चेक करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, इसको चाहे तो हम इस एलिमेंट को हम अपने रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसके साथ भी यही आएगा, इसके साथ भी आएगा एंड सो ऑन, यहाँ भी आएगा, हर एक एलिमेंट की दो दो पॉसिबिलिटी होगी जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2 to the power n, ये किसके लिए, ये डायगोनल एलिमेंट है। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन 2 to the power n,
लेकिन अभी ये बचा हुआ है, इसको देखते हैं। ओके, टू टू द पावर एन। यहाँ क्या होगा, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ हम दो दो एलिमेंट को एक यूनिट एज्यूम करके चलेंगे, ये आपका क्या होगा, एक यूनिट होगा, एंड सो ऑन। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट टोटल कितने होते हैं, देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट एन, इधर कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन। क्योंकि देखो जब भी हम किसी अगर ए इक्वल टू आपका क्या है, वन टू थ्री एंड सो ऑन टिल एन, अगर ये एन है तो इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, एन स्क्वायर। तो इस एन स्क्वायर में अगर हमने एन एज्यूम कर लिया कि ये क्या आपका डायगोनल, तो नॉन डायगोनल कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन। लेकिन अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ हम पेयर को एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, देखो यहाँ वन कॉमन, देखो ये टोटल एलिमेंट कितने, एन स्क्वायर माइनस एन, टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट। लेकिन यहाँ हम दो दो जो पेयर्स आ रहे हैं, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, वन कॉमा थ्री, थ्री कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा टू, तो ये सारे हम पेयर्स लेके चल रहे हैं, और सारे पेयर्स ही होंगे तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, एन स्क्वायर माइनस एन। लेकिन जब हमने पेयर्स में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम सिमेट्रिक रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। और हर एक एलिमेंट की दो दो पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ हर एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटी दो दो थी, यहाँ हर पेयर की क्या होगी, दो दो पॉसिबिलिटी। तो ऐसे टोटल कितने एलिमेंट हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। फाइन, लेकिन यहाँ भी टू टू द पावर एन है, तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इससे आ रहा है टू टू द पावर एन, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 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 द पावर एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये टू एन हो जाएगा, टू एन माइनस एन, खैर सॉल्व कर लेते हैं, ये जाएगा टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। ये हो जाएगा, अगर एन कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ओवरऑल क्या आएगा, टू टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। फाइन, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन टू टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बस यहाँ समझना क्या है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्यों, अभी तक जितने भी हम लोगों ने रिलेशंस देखे उसमें जब नंबर ऑफ सिमेट्रिक सॉरी जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे थे और इरिफ्लेक्सिव, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ डेफिनेशन क्या है, अगर x, y सेट में बिलोंग कर रहा है तो y, x का होना कंपलसरी, तभी वो सिमेट्रिक होगा। इसलिए हमने नॉन क्योंकि डायगनल में ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, x, y, y, x दोनों सेम है, लेकिन यहाँ दोनों पेयर डिफरेंट है। तो 1, 2 अगर है तो 2, 1 होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए इस पूरे दोनों एलिमेंट को एक यूनिट एज्यूम करके चले हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल कितने होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन, डिवाइड क्यों किया गया टू, क्योंकि पेयर्स कर लिए, तो इसलिए। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएंगे, टू टू द पावर एन, क्योंकि हर एक पेयर की पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसको हम सेट रिलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसलिए दो दो। और यहाँ टू टू द पावर एन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, विच इज इक्वल्स टू टू द पावर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके।